लाइट इधर यहीं पे करेंगे। उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। तो उससे भी जब हमने पूछताछ की और जिस तरीके की उसकी लोकेशन है, उससे पता चला कि वो भी जैश मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व था। उसने पहले भी जो है सोपोर पुलिस के पास भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मिला है, पहले भी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो अभी आगे हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। शौकत मलिक जो है बहुत पुराना OGW है, बहुत ही हार्डकोर OGW है, और जिस तरीके से ये इसकी दुकान जो मेन रोड पे थी और वहाँ से जिस तरीके से हमने रिकवरी की है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो है नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी, इसके अलावा भी इसने जो है काफ़ी जगहों पे इस तरीके का पहले भी इसने आर्म्स एम्यूनिशन जो है सप्लाई किया होगा। तो उसके बारे में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जारी है। सर, आर दीज अरेस्ट लिंक्ड टू द अरेस्ट ऑफ दैट मिलिटेंट हु वाज रिसेंटली अरेस्टेड? नो, दिस इज़ टोटली डिफरेंट ग्रुप, बट यस, आई कैनॉट कम्प्लीटली रूल इट आउट बिकॉज ही वॉज ऑल्सो द मिलिटेंट हु वॉज रिसेंटली रिक्रूटेड एंड वी आर फर्दर वेरीफाइंग दैट वेदर दिस ग्रुप हैज समथिंग टू डू विद द मिलिटेंट अरेस्टेड और नॉट। बोथ आर फ्रॉम जैश मोहम्मद? या दिस बोथ शौकत एज वेल एज दिस मजीद खान आर लिंक टू जैश मोहम्मद। ओके सर, थैंक यू।